खरगोन शहर के नगरपालिका टाउन हॉल में रविवार को जय भीम आर्थिक कल्याण साख संस्था द्वारा बलाई समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें युवक युवतियों ने मंच पर पहुंचकर बेबाकी से अपना और अपने परिवार का परिचय दिया। आयोजक नरेंद्र आर्य ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य समाजजनों को एक मंच पर लाना था, क्योंकि कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से लोग इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा सम्मेलन के माध्यम से युवक युवतियों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अवसर मिलता है। 216 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन कराया था। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जन्मतिथि 9/9/2000 है। बीएससी बायोटेक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है। इनके पिताजी मेरे छोटे भाई कृषि करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, मैं इंद्रनगर खरगोन में रहता हूँ। मेरा नाम आनंद सागर है और मेरे पिताजी का नाम मनोहर सागर है और मेरी उम्र है 24/1992 और मैं सुकमेल विभाग में कार्य करता हूँ। मैं साइडर हूँ। जय भीम। जय भीम आर्थिक कल्याण साख सहकारी संस्था के माध्यम से तत्वा धवन में बलाई समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 216 युवक युवतियों ने पंजीयन कराया था और आज मंच के माध्यम से वह अपना परिचय देकर अपना जीवन साथी ढूंढने के प्रयास में यहाँ पर आए हुए हैं। एक समाज में ऐसे आयोजनों के माध्यम से एक सोच रहती है कि एक ही मंच पर एक ही स्थान पर वैसे समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जिससे कि रिश्ते खोजने में काफ़ी सुविधा हो जाती है। अभी 2 साल जो कोरोना काल रहा, इसमें समाज में सामाजिक दूरियां बढ़ी हैं, लोगों का मेलजोल कम हुआ है, इससे रिश्तों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो इस सोच के तहत हमने सोचा कि क्यों न एक ऐसा कार्यक्रम कराया जाए जिससे एक ही जगह स्थान पर बहुत सारे युवक युवती इकट्ठे होकर अपने जीवन साथी की जो तलाश है उसको। कहाँ कहाँ से कितने पंजीयन हुए? इसमें 216 पंजीयन हुए हैं। खरगोन जिले से बाहर के भी लगभग भोपाल, सीहोर, हरदा, मतलब बाहर जिलों से भी बहुत पंजीयन आए हैं और बहुत अच्छे एजुकेशन वाले बच्चे हैं इसमें। हमने क्या नाम है आपका? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।